दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमित की पाठशाला। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दे, जिससे आपको मछली पालन से संबंधित जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ग्रास कार्प के लिए आप कम से कम 3 इंच या 100 लाइन का बच्चा लाइए। शुरुआत में उसे सरसों की खली राइस ब्रान दीजिए। यह आहार लगभग 2 महीने तक दीजिए। सरसों की खली को रात में किसी बर्तन में भिगोकर सवेरे जब धूप निकल आए तो इसमें और पानी मिलाकर इसे पतला कर ले। फिर इसे तालाब में चारों किनारे पानी में डाल दे। खली का प्रयोग रोज नहीं करना है, कम से कम 2 दिन के अंतर पर खली का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो जब आप खली को भिगाए तो उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला दीजिए। अब राइस ब्रान को मात्रा के हिसाब से सवेरे और शाम को तालाब में प्रतिदिन डालें। राइस ब्रान को रोज डालना है। ऐसा करने से आपके ग्रास कार्प के बच्चे जल्दी ही अच्छी ग्रोथ कर लेंगे। जब ग्रास कार्प के बच्चे लगभग 7 इंच के हो जाए तो आप इनको थोड़े थोड़े मात्रा में हरी चीजें, सब्जी के बेस्ट और अन्य चीजें देना शुरू कर दें। जब ग्रास कार्प और बड़ी हो जाए तो कहीं पर बरसीम या चरी या अन्य कोई भी हरी घास की बुवाई कर दें और इसे रोज मात्रा के अनुसार काट कर फिर छोटे छोटे टुकड़े करके इसे तालाब में अपनी ग्रास कार्प मछलियों को दें। फिर देखिए कमाल, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी मछलियां इतनी जल्दी कैसे बढ़ रही हैं। आपको उनके ग्रोथ पर आश्चर्य होगा। आप मंडी से सब्जियों के बेस्ट भी लाकर और उसे काटकर तालाब में ग्रास कार्प को दे सकते हैं। वो इन्हें भी बड़े चाव से खाएगी। अगर आप बरसीम या चरी को टुकड़ों में करके ग्रास कार्प को देंगे तो वो इसे बड़े चाव से खाती है। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि ऐसा करने से आप कम लागत या लगभग 0 लागत पर ग्रास कार्प मछली से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं खुद अपने तालाब में यही काम करता हूँ। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।